हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे पार्ट वन में हम आप लोगों को ये 10 क्वेश्चंस बताए थे जो फुल एक्सप्लेन के साथ कैसे इंटरव्यू होता है और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, उसमें रिज्यूम कैसे बनाना है, सब चीज आपको एक्सप्लेन किया गया था। और ये आप वीडियो को जरूर देखेंगे, पार्ट वन को, ये 10 क्वेश्चंस को। आज हम लोग जानेंगे ये पार्ट टू के बारे में। ठीक है, ये पार्ट टू में हम लोग जानेंगे ये क्वेश्चन जितने हैं, आपको 10 क्वेश्चन आज भी हैं, 11 से लेके 20 तक। ये सेकंड पार्ट में एक ही वीडियो में ज्यादा लंबा हो जा रहा था इसलिए नहीं बताया। तो जानेंगे डिफरेंस बिटवीन वी ए बी एंड वीसीडी के बारे में, ये क्या है। तो वी ए बी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, ये एच यू का सप्लाई एयर डक्ट में लगाया जाता है। वीसीडी मतलब होता है वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, बेसिकली इसको जो है एयर को बैलेंसिंग करने के लिए यूज किया जाता है वीसीडी को। और वीएबी जो है हमारा, ये भी एयर का ही बैलेंसिंग करता है, जैसे रूम का टेम्परेचर आने के बाद जो इसके अंदर डैम्पर लगा हुआ होता है वो डैम्पर को अपना क्लोज पोजीशन में करने लगता है, जिसके जरिए हमारा रूम में एयर का फ्लो कम हो जाता है और रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जितना भी आप सेट पॉइंट किए हुए रूम का टेम्परेचर, उतना रीच होने के बाद वापिस वीएबी का अपना कंट्रोल में इसको कमांड मिलता है इंसुलेटर में, और उसके हिसाब से जो है डैम्पर को ये ओपन करता है, ये मतलब ऑटो सिस्टम हमारा काम करता है। वीसीडी में क्या होता है, मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता है हम लोग को। अगर एक बार अगर जितना पे आप सेट कर दिए, मतलब 20% या 30% एयर का फ्लो, तो उस हिसाब से वो फ्लो होता है, उस हिसाब से चलता है, इसमें ऑटो कंट्रोल नहीं होता है। इसको एचयू का जहां पे सप्लाई होता है ना, वहां पे भी लगा हुआ रहता है कि ज्यादा तेज फ्लो एयर का ना हो, उसको एक कंट्रोल के जरिए, और फिर एक कांस्टेंट एरिया में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं वीसीडी को। वो हो गया वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर। अभी नेक्स्ट जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एएचयू एंड एफसीयू में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। एयर हैंडलिंग यूनिट सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट, फैन कॉइल यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट ज्यादा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए यूज किया जाता है, ज्यादा सीएफएम का होता है, और एफसीयू का जो है सीएफएम कम होता है। और बेसिकली हमारा एफसीयू जो है सिंगल फेज में मिलता है, और एएचयू के लिए मोटर जो है थ्री फेज का मोटर आता है, और इसका बनावट के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये बिग साइज में होता है, ये स्मॉल साइज में होता है, और इसके अंदर बहुत सारा डिटेक्टर भी यूज किए जाते हैं, सप्लाई एडक्ट रिटर्न एडक्ट भी यूज किए जाते हैं, जो एफसीयू में आपको मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा। कहीं कहीं पे सप्लाई के लिए सिर्फ ओनली सप्लाई एडक्ट को यूज किया जाता है इसमें, लेकिन एएचयू में कंपलसरी हमारा यूज होता है। ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीएफएम। ठीक है, क्यूबिक फीट पर मिनट होता है सीएफएम का फुल फॉर्म। एयर को मेजर करने के लिए हम लोग एयर को मेजर जो है सीएफएम में करते हैं, जैसे एचयू कितना टन का है ना, उस हिसाब से हम लोग सीएफएम में ही उसको मेजर किया जाता है। इसके ऊपर एक हमारा वीडियो है पूरा बनाया हुआ, आप उस चीज को देखें। ये लगभग जितना ये क्वेश्चंस बताए हैं, ये क्वेश्चंस बताए हैं, सभी पे हमारा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो आप लोग देख करके उस हिसाब से क्वेश्चन की तैयारी करें। मतलब ये क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा, क्लाइंट आपसे पूछेगा, लेकिन आप सबके बारे में अच्छा से जानकारी ले लें। तो हो सकता है जैसे कि मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एएचयू एंड एफसीयू के बारे में बताया, आपसे पूछा जा सकता है कि एएचयू का पूरे पार्ट के बारे में बताइए, एएचयू में पानी कंट्रोल कैसे किया जाता है वो बताइए, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें क्या है कि एएचयू के बारे में फुल नॉलेज है, तो एएचयू का हमको पूरा अच्छा से ये करना है, वीडियो वॉच कर लेना है, देख लेना है। इसके ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, व्हाट इज सीएफएम पे बता दिया आप लोगों को। व्हाट इज रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट वह माध्यम है जो वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में आसानी से तब्दील हो जाए, वो हमारा रेफ्रिजरेंट कहलाता है। बेसिकली हमारा एयर कंडीशन सिस्टम में देखते हैं कि इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को बॉइल किया जाता है। ठीक है, और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो है हमारा कंडेंसर में आता है, तो कंडेंसर में आने के बाद क्या होता है कि वहां पे वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि हीट को उसमें से निकाला जाता है तो क्या लिक्विड फॉर्मेट में हो जाता है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेंट का काम है। अब इसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भी आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट बताइए। ठीक है, ये भी इस पे भी वीडियो अपलोड है। डिफरेंस बिटवीन एयर कूल्ड चिलर एंड वाटर कूल्ड चिलर में क्या है, एक बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या है, एयर कूल्ड चिलर में है जो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है एयर के जरिए कंडेंस कराया जाता है, उसमें फैन ब्लेड लगाए रहते हैं, और वाटर कूल्ड चिलर में क्या होता है कि हमारा कूलिंग टावर यूज किया जाता है, वाटर के जरिए हमारा
रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करा जाता है कंडेंसर में, ये एक डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन एक डिफरेंस ज्यादा मतलब ये है परफेक्ट। व्हाई इज यूज एक्चुएटर ऑन चिल्ड वाटर लाइन? चिल्ड वाटर लाइन में एक्चुएटर को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, इस पे भी 7-8 मिनट का वीडियो है, आप लोग देखेंगे। एक्चुएटर को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर सेट पॉइंट किया हुआ है जितना रूम का, तो उसी से टेम्परेचर आने के बाद एक्चुएटर को कमांड आता है कि रूम का टेम्परेचर आ गया, तो चिल्ड वाटर लाइन का सप्लाई में रिटर्न में सॉरी इसको लगाया रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये पानी का लाइन को क्लोज करता है। ठीक है, तो सप्लाई एयर सप्लाई पानी जो है हमारा सप्लाई चिल्ड वाटर जो है एचयू के अंदर इन नहीं करता है, तो वही पानी रहने से क्या है कि उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो फिर एयर का टेम्परेचर हाई होने लगता है, तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर फिर आता है तो वो एक्चुएटर जो है अपना जो उसके अंदर प्लंजर लगाया हुआ है उसको एक्चुएटर से तो वो ओपन पोजिशन में करता है, और नहीं तो अगर रूम का टेम्परेचर आ गया तो ये क्लोज पोजिशन में करता है। तो बेसिकली एचयू के पानी के लाइन को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पानी के लाइन को कंट्रोल करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। हाउ मच हीट विल बी रिमूव्ड बाय 1 टन एसी इन 1 आवर? ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि 1 टन का एसी जो है 1 घंटे में कितना हीट रिमूव करेगा, ये क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है, कभी 2 टन के बारे में पूछ सकता है, कभी 3 टन के बारे में पूछ सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो 1 टन का एसी जो है हमारा 1 घंटे में 12,000 BTU हीट को रिमूव करता है। अगर इंडोर यूनिट पे आप लोग देखे रहेंगे कि 1 आवर्स में 12,000 BTU हीट रिमूव, तो मतलब वो 1 टन का एसी है, अगर 24,000 अगर 1 घंटे में निकाल रहा है तो वो कितना 2 टन का एसी हो गया, तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको मेंशन किया कि 1 टन का एसी 1 घंटे में कितना हीट को रिमूव करेगा, उसी तरह से अभी जब हम आ रहे थे बाहर में आउट ऑफ कंट्री, तो उस टाइम मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ये कि 1 टन का एसी कितना एम्प्स लेता है, कितना एम्पियर लेता है। उस तरह से अगर आप चिलर्स के भी एम्पियर पूछा जा सकता है, बाकी यूनिट का भी एम्पियर पूछा जा सकता है कि 5 टन का 10 टन का, किसी भी तरह से आपसे एम्पियर के बारे में पूछा जा सकता है कि एम्पियर कितना लेगा, तो हमसे पूछा गया था कि 1 टन का एसी कितना एम्पियर लेता है, तो बेसिकली अभी हमारा 10 to 12 के बीच में हमारा एम्प्स लेता है 1 टन का एसी। हमने उसको बताया कि हाँ इतना एम्स लेता है, तो बोला ओके ठीक है, 1.5 टन का है तो कितना लेगा, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा लेगा। इस हिसाब से अगर चीलर के बारे में पूछ दे आपसे कि मान लीजिए 800 का चीलर का, आप चीलर का इंटरव्यू मारने जा रहे हो, तो 800 टन का चीलर जो है कितना एम्पियर लेगा, तो उसमें तो क्या कहते हैं सिंगल सिंगल फेज का अलग अलग आपको बताना होगा। ये हमारा क्या कहते हैं सिंगल फेज कंप्रेसर है, वो 3 फेज कंप्रेसर है। अभी जैसे मैं सेंट्रीफ्यूगल चीलर में गया था एक जगह, वहां पे जो है 800 TR का जो कंप्रेसर लगाया हुआ था, तो उसमें जो है फुल लोड रनिंग एम्स जो था, रनिंग लोड एम्स वो 1000 समथिंग प्लस था, 1000 एम्पियर ले रहा था एक फेज में, समझ गए, ये 800 TR का उसका इतना ले रहा, तो उसी हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आपसे पूछे कितने टन एसी में आपने काम किया, उतना टन के एसी में आपने काम किया तो उसका एम्पियर कितना ले रहा था सिस्टम। ठीक है, एम्पियर भी बहुत मायने रखता है, कभी अगर मान लीजिए 1 टन का एसी है वो 15 एम्स ले रहा है चाहे 14 एम्स ले रहा है, तो वो ज्यादा ले रहा है, अपना जो है उसका रनिंग लोड एम्स तो ऐसे लिखा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ले रहा है, तो कुछ मतलब डिफेक्टिव है, कंडेंसर गंदा है या उसके अंदर कुछ मैकेनिकल पार्ट डिफेक्टिव है, तो वो हम लोग को चेक करना होगा, इसलिए एम्स के बारे में भी आप ना। फुल फॉर्म ऑफ PPM एंड व्हाट अबाउट PPM? PPM के बारे में हम लोग जानेंगे। फुल फॉर्म PPM का क्या होता है? प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, और ये PPM है क्या? तो जो भी इक्विपमेंट हमारा लगा हुआ रहता है एयर कंडीशन डिपार्टमेंट में, पंप हो गया या एचयू हो गया या एफसी हो गया या स्प्रेड एसी हो गया, जो भी है, तो वो सब का एक PPM होता है, मतलब कि उसको सर्विस करने के लिए जो हम लोग सर्विस करते हैं उसको हम PPM बोलते हैं। जैसे किसी 1 महीना में होता है, किसी का क्वार्टरली होता है, किसी का हाफ ईयरली होता है, किसी का ईयरली होता है, तो ऑलमोस्ट चीलर हो गया चाहे जो भी इक्विपमेंट है सबको हम लोग PPM जो करते हैं उसके बारे में, तो आपसे पूछ सकता है कि आप एसी का PPM कितना दिन में करते हैं, तो आप बोल दीजिए उसको कि 1 महीना में हम लोग PPM करते हैं। ठीक है, 1 महीना में मतलब स्प्लिट एसी है, तो किसी किसी का जैसे अभी चीलर का हम लोग PPM के लिए अगर चेक करना रहे तो वीकली हम लोग उसको चेक करते हैं, बट अगर बाकी चीज है उसमें क्वार्टरली भी आ जाता है उस तरह से। एंड R22 रेफ्रिजरेंट का सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकता है कि, या R134A का पूछ सकता है, वो भी चीज है। 22 का मान लीजिए अगर है तो 65 आप बोल सकते हैं कि उसका बैक प्रेशर रहेगा, और 250 के आसपास हमारा डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा। डिस्चार्ज प्रेशर कभी समटाइम जो है ना
हाई होता है लो होता है, बिकॉज आउटसाइड टेम्परेचर जो है डिपेंड पड़ता है कितना आउटसाइड का टेम्परेचर है, उस हिसाब से कभी कभी थोड़ा बहुत 10-20 PSI का डिफरेंस कोई मैटर नहीं रखता है, वो होता है, लेकिन सक्शन प्रेशर कम रहेगा 65 से 70 के बीच में। विच रेफ्रिजरेंट इज यूज फॉर ब्रेजिंग, ब्रेजिंग करने के लिए हम लोग कौन कौन से रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं ये भी पूछेगा। अगर मान लीजिए आपने कंप्रेसर लगाया है, आपसे बोला कि आपने कंप्रेसर चेंज किया, तो हाँ हमने कंप्रेसर चेंज किया है, तो आप ब्रेजिंग करने के लिए कौन कौन सा सिलेंडर का यूज कर रहे थे, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे, तो ब्रेजिंग करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन ये दो को हम लोग मिक्स करके उसके बाद हम लोग ब्रेजिंग करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन चाहिए था इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम HPSC सुपरवाइजर के बारे में बताएंगे कि सुपरवाइजर के लिए क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। चलिए फिर आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।